हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला टोस्ट। ब्रेड से बनाएंगे। ये देखिए, ब्रेड ले लिया हमने। आलू ले लेंगे, इसके लिए दो आलू है। नमक, लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची पाउडर है, अमचूर पाउडर है, ये टमाटर धनिया की चटनी, इमली का चटनी, मीठा चटनी है, शिमला मिर्च, प्याज। चलिए अब हम बना लेते हैं। यह ऑयल तेल है तो हम बना लेते हैं। इसमें हम मसाले डाल देते हैं सूखा मसाला। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अमचूर पाउडर, मिर्च पाउडर, ये लहसुन का पेस्ट, इसको हम हाथ से मिला लेंगे अच्छे से। ये रेडी हो गया है। अभी हमने तवा रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसे तेल डाल देते हैं। अब हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेड में आलू लगा लेते हैं। ऐसे हम आलू लेके इसको इसे फैला लेंगे इसी तरीके से। पहले हम इसमें टमाटो की चटनी लगा लेते हैं, फैला लेते हैं चटनी को अच्छे से। इमली का चटनी डाल देंगे हम। मीठा चटनी है ये, इसे स्वाद थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको मीठा चटनी पसंद हो तो मीठा डालिए, नहीं तो मत डालिए। अभी हम इसमें आलू लगा लेते हैं। अच्छे से हम फैला देंगे। अभी इसको तवे पे रख दिया है, इसको भी हम ऐसे डाल देते हैं। इस पे हम ऐसे प्याज लगा देंगे दबा दबा के, ताकि ये निकले ना, चिपक जाए अच्छे से। अभी हम इसको ऐसे पका लेंगे, थोड़ा धीमी आंच पे, थोड़ा क्रिस्प होने लगे। ये देखिए, अभी ये पक गया है। अभी हम इसको पलट के आपको दिखाते हैं कितना अच्छा प्यारा कलर आया होगा। ये देखिए कितना अच्छा है। उस तरफ से भी हम अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेंगे। दबा देंगे ताकि आलू ना निकले बाहर। अभी क्रिस्पी हो नहीं है, इसको हम पलटेंगे बाद में। ये देखिए, अभी हम इसको पलट लेते हैं। हो गया है, ये पक गया है। हम निकल रहे हैं। ये देखिए कितना क्रिस्प गोल्डन कलर आया है। इसको निकाल लेते हैं। इस पे हम तेल लगा के और भी अपना
डाल देते हैं पकने के लिए। हम इसको कट कर लेते हैं, कट करके चटनी लगा के। इसमें हम चटनी और नमकीन लगा लेते हैं। ये देखिए हम कट कर लिए हैं इसको, और इसमें हम चटनी लगा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, नहीं तो चटनी के साथ खाएंगे तो नरम पड़ जाएगा, हल्का हल्का लगाएंगे। इसके बाद हम परोसेंगे, इसमें हम ऐसे नमकीन डाल देते हैं। सेव वाला नमकीन आपके पास होगा तो डाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा इसमें। ये देखिए नाश्ता बनके आपका रेडी हो गया, कितना अच्छा लगेगा। चटनी के साथ आप मनचाहे चटनी के साथ खा सकते हैं इसको। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए।